आपने खुद अभी कहा 10 साल मोदी सरकार। सवाल ये कि 10 साल मोदी सरकार के बावजूद एक वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो इस मोदी सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता? मेरा अपना मानना है कि देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, विपक्ष का फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, विपक्ष कमजोर नहीं है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को ही देखेंगे तो बीजेपी को जब सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली तो उनको 38% वोट मिला। मतलब अगर 100 लोग वोट देने गए उसमें 38 लोगों ने बीजेपी के मोदी जी के उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया, 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। अब तो विपक्ष जमीन पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर हर आदमी खुश है ऐसी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग तो खुश नहीं है। लेकिन इस 62 को एक साथ करना और या उसके एक बड़े भाग को एक साथ करना, उसके लिए जो भूमिका विपक्षी पार्टियों की नेताओं की होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, उनका एजेंडा कमजोर हो सकता है, उनकी नैरेटिव या उनका प्रयास कमजोर हो सकता है। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति सरकार से खुश है ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती है।